बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन टू प्रिज्म। नाउ वी डिस्कस लेंसेस। व्हाट इज लेंसेस? लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल व्हिच अ लाइट पासिस थ्रू from lens and it focuses or disperses। यानी ये light को focus करते हैं और disperses यानी मुंतशिर करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम lens को ऐसे define करेंगे। ऑप्टिकल मटेरियल, ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल disperses when passes There are two types of lenses, concave and convex। वैसे तो five types बनते हैं। Lens में तकरीबन एक side जो है हमारे पास curved side, ठीक है? एक side जो है वो क्या हो? Curved। जब एक side जब curved हो तो ये light को या फैलाएंगे या जो है वो एक साइड पे जो है वो फोकस करेंगे। अगर दोनों साइड जो है ऐसी कर्व हो कि दरमियान में जो है वो क्या हो, थिनर हो, थिनर इन द मिडल एंड थिकर इन द एडजेस, जैसे हम कहते हैं कनकेव लेंस। व्हेन ए लेंस थिकर इन द मिडल एंड थिनर इन द एडजेस called convex lens। ये light को diverge करेंगे और ये light को जो है क्या करेंगे, converge करेंगे। converging diverging हमने detail में reflection of light यानी spherical mirror पे भी discuss किया था। अगर हम ये lens ले जो दरमियान में पतला है, ठीक है, तो ये जितनी भी पैरेलल रेज आते हैं तो ये सिंगल पॉइंट से जो है वो क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट पैरेलल principal axis ये हमारे पास जो है फोकस पॉइंट। अच्छा, कुछ टर्म्स है जो हम
स्फेरिकल मिरर में डिटेल से जो है डिस्कस कर चुके हैं, वही कर्व जो है हम यहां पर भी जो है वो डिस्कस करेंगे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है अगर इनमें से एक कंकेव या कन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, तो कंकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के जो टर्म्स है, जो हमारे पास फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो वही टर्म जो है स्फीयर से हम लेते हैं। ये स्फीयर से जो है द डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारे पास एक मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर का नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास जो है ऑप्टिकल सेंटर है, चाहे ये कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस दोनों के मिड पॉइंट जो है दरमियान में जो सेंटर पॉइंट है, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट जो है ये आर जो रेडियस है, ठीक है, स्फीयर की, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये दोनों लाइन जो है ये क्या है ये इक्वल है, ठीक है। इसी तरह एक मिड पॉइंट जो है जिस पे तमाम पॉइंट जो है इसी पॉइंट से आप फोकस करेंगे या जो है क्या करेंगे डाइवर्स करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल फोकस या सिंपल हम फोकस कह सकते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इसे हम फोकल लेंथ का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं फोकल लेंथ, ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, ये फोकल लेंथ। अच्छा, एक लाइन जो है इस रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। वही टर्म है जो हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ चुके हैं, हम यहां पर भी वही टर्म यूज करेंगे, वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां पर हमारे पास रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। बाकी जो रेस है तो वो इसमें से जो है पास होके तो बेंड होते हैं, जैसे मैंने आपको कनकेव और कन्वेक्स लेंस, जैसे हम डबल कनकेव और डबल कन्वेक्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दरमियान में जो है तेरा है, तो ये साइड से भी ये स्फीयर है, ठीक है, ये इस साइड से जो है स्फीयर और ये साइड, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड पे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट बनाते हैं, ये भी जो है हमारे पास डबल है, इसके जो है जैसे मैंने आपको डायग्राम में फिगर में शो किया है, ठीक है, ये भी इस पेयर की सेंटर और फोकस पॉइंट है। लेंसेस की यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, यहां पर जो है कुछ टर्म्स थे वही टर्म जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी आपने पढ़ा होगा और यहां पर भी जो है आप पढ़ेंगे, वही टर्म्स है लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन का फर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम रे ट्रेसिंग यानी जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन में रे डायग्राम को जो फोर रेस हमने यहाँ पर मेन जो है वो हम थ्री रेस को लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन